सुनो सुनो एक कहानी सुनो ब्लैक होल की कहानी सुनो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ब्लैक होल्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं बनते कैसे हैं पर अगर वो ब्लैक होल हैं तो फिर हमें नजर कैसे आते हैं तो चलिए आइए इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में करा था कि ब्लैक होल्स के पार्ट्स क्या हैं तो ब्लैक होल के पार्ट्स हैं एक्रीशन डिस्क इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट Jet, अब इन parts का से क्या लेना देना है तो चलिए आइए इसको समझते हैं सबसे पहले है की का. जब ब्लैक होल का इमेंस ग्रेविटी आस पास के जो मैटर होते हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो जो मैटर इवेंट होरिजन इवेंट होरिजन मैंने बताया था कि ऐसा बाउंड्री उसको क्रॉस नहीं करता अगर कोई भी मैटर इवेंट होरिजन को क्रॉस कर जाएगा तो वो सिंगुलैरिटी यानी कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशन पुल के अंदर चले जाएगा और वापस नहीं आएगा तो इवेंट होरिजन यानी कि बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना तो वो मैटर और ग्रेविटेशन पुल जब आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट होती है जिनकी रेंज क्या होती है एक्सरेस की इंफ्रारेड ऑप्टिकल रेडियो एटसेट्रा और एक सुपर हीटेड गैसेस का एक डस्ट बन जाता है ब्लैक होल के आसपास ये जो सुपर हीटेड गैसेस हैं ये जो ग्लो करती हैं यही आइडेंटिफिकेशन का रीजन है ब्लैक होल का क्योंकि यही चमकती हैं ब्लैक होल के आसपास एक्रीशन का मीनिंग ही होता है इकट्ठे होना इकट्ठे होकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लार्जर बॉडी को बनाना तो ये जो एक्रीशन डिस्क है यही रीजन है ये जो सुपर डिस्क सुपर हीटेड गैसेस का जो डिस्क बन जाता है उसी रीजन के कारण ही हमें ब्लैक होल नजर आता है इसके कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जैसे इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट जो एक्रीशन डिस्क का सबसे अंदर वाला ऑर्बिट है उसको बोलते हैं इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट फिर एक और रीजन है एक और भी रीजन है जिससे हम ब्लैक होल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है रेलिटिविस्टिक जेट

ये जो चार पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट और ये मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर सकते हैं ये जो पार्टिकल्स जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं एक्सरेट कर रहे हैं तो एकदम से निकलते हैं जैसे एक जेट ऑफ लाइट होती है जेट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो इनकी हेल्प के साथ भी हम ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम ब्लैक होल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम ब्लैक होल्स को एक्रीशन डिस्क की हेल्प के साथ और साथ ही साथ रेलेटिविस्टिक जेट जो लाइट निकलती है उसकी हेल्प के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ भी वहां पे आ जाते हैं जो एक सफेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोन सफेर तो ये था रीजन ब्लैक होल के आइडेंटिफिकेशन का अभी ब्लैक होल का इमेज कैसे टेकन होता है कैसे लिया जाता है ये भी एक मिस्ट्री है तो इवेंट होरिजन एक टेलीस्कोप है ये एक एरे है जिसमें नाइन टेलीस्कोप्स हैं जो फ्रांस स्पेन ग्रीनलैंड चिली यूनाइटेड स्टेट्स में एरिजोना हवाई मैक्सिको एंड साउथ पोल में रखे हुए हैं तो जितने भी ये टेलीस्कोप्स हैं ये साइमल्टेनियसली एक टारगेट सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद ये पीटा पाइट पीटाबाइट कहता हैल्टीप्लाइडाइड के अराउंड डाटा को ये हार्ड ड्राइव्स में लेते हैं ठीक है फिर ये एम आई टी हेस्टेक ऑब्जर्वेटरी हैस्ट्रोनोमी इन बॉन जर्मनी में वहाँ इनको शिप कर किया जाता है वहां पे जो जो डाटा है रन करते हैं जो कोअलेटर है एक स्मॉलर डाटा सेट डाटा सेट तैयार किया जाता है कैलिब्रेशन के लिए रीडिंग लेने के लिए और एक वो जो डाटा सेट है वहां से एक इमेज क्रिएट किया जाता है जैसे कि ये जो सेजिटेरियस ए स्टार है सेजिटेरियस ए स्टार वो इमेज है जो इवेंट होरिजन टेलीस्कोप से हेल्प से लिया गया है सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल है सुपरमैसिव ब्लैक होल है ये 4.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है ये सन से इसी का क्वेश्चन पिछली बार कौन बनेगा करोड़पति में आया था केबीसी में ओके okay, तो दोस्तों इस तरीके से हम ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो सुपर हीटेड गैसेस के कारण जो ग्लो प्रोड्यूस होता है जो लाइट प्रोड्यूस होती है और रिलेटिविस्टिक जेट भी होता है एक्रीशन डिस्क से निकलता है उसकी हेल्प के साथ हम ब्लैक होल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों ये था वीडियो ब्लैक होल को डिटेक्ट कैसे कर, कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स अलॉम